सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रमोद रावत का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, आज नवमी है, यानी कि आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है। तो आज ही के दिन नवरात्रि समापन होगा। तो अभी हवन वगैरह का कार्यक्रम तो हो गया है, थोड़ा बहुत जो भी था, मतलब कुछ कल हुआ था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज तो हवन हुआ हल्का सा, और इसके बाद पूर्णावती होगी। तो ये मुझे पता नहीं कि पूर्णावती में क्या होता है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज अंतिम दिवस है, जैसे आपने देखा था मेरे एक ब्लॉग में कि माँ चंडिका बनियाद का जब समापन हुआ था, तो क्योंकि बड़े ही मतलब भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हर बार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार रहता है। तो इसकी सबकी सहमति, ये जो कार्यक्रम हुआ ये बहुत समय बाद हुआ, ऐसे नवरात्रे, तो इसके बाद पता नहीं अब आगे कब होंगे। तो इन नवरात्रों में बहुत सारे लोग घर आते हैं, सबसे मुलाकात होती है, जो इसको मतलब बहुत कम समय मिलते हैं उस सबसे मुलाकात होती है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम में ये सब मिलने का भी एक वो है। तो अभी पूर्णावती होगी, इसके बाद जो जो होगा, मतलब जो हरियाली वहाँ भगवती के मंदिर में, उसको सारे प्रसाद के रूप में सारे भक्तों में बांटा जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं पूर्णावती वगैरह। तो चलिए फिर और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और शायद ये यज्ञ है। इधर आओ, कुछ नहीं यहाँ बोलो यार। नमो ब्रह्मण्णा ओम चतवारि श्रृंगारायो खड़ा करो मेरे पहाड़ी दोस्तों, यहाँ कर रहे हल्ला करा मज आशा मनुष्यम विवा विचुणो सिंदूर विपादने सुगरा सोवाता प्रिमया उपदयंतियवा हितश धारा आरुषो न बाजि काष्ठः हिंदुनूर्भिजिन्वमान स्वाहा पुनर्ब्रह्मणि वासुदिनियज्ञमान देवसत्या यजमानस्य कामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। पूरी तो जा भैर फल भैर फली नहीं तू किले नहीं मानो ना ना हम नहीं वही तुम्हारा वही
तर्पयामि मार्जयामि ओम हरि ओम वाजसमे प्रसवसमे प्रयतिसमे क्रतुसमे स्वरसमे श्लोकसमे तनुसमे आत्मासमे तनुसमे मार्जयामि ओम हरि ओम मार्जयामि 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 हो चुके और यहाँ पे खाने की व्यवस्था। इसके बाद तो यहाँ पे सूजी बन रही है चाचा जी और ये भेजी हैं। और इसके बाद अब ये कलाकार आ गए, इस तरह से सूजी बन रही है यहाँ पे।
और ये है चासनी। चासनी तो मैंने पहले बता रखी है, इसकी आग सुंदर आग जलाएगी। ये पूजा वगैरह हो चुकी है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था इसके बाद। तो यहाँ पे सूजी बन रही है चाचा जी और ये भेजी है। और इसके बाद अब ये कलाकार आ गए, इस तरह से सूजी बन रही है यहाँ पे। और ये है चासनी। चासनी तो मैंने पहले बता रखी है, इसकी आग सुंदर आग जलाएगी। ये